आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो बता दें आपको, बड़ी खबर गुरुग्राम में ईडी की छापेमारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी गुरुग्राम तक आ पहुंची है। तो शराब कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी जो है वो की गई है। दिल्ली में भी शराब घोटाले में ईडी ने छापेमारी की है और अब ईडी जो है उसने गुरुग्राम का रुख कर लिया है। गुरुग्राम में भी आपको बता दें जो छापेमारी की गई है, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी छापेमारी की जा रही है। शराब घोटाले के तार तो हैं वो अलग अलग राज्यों में जुड़े हुए हैं और लगातार ईडी के छापेमार कार्रवाई जो है वो जारी है। अब इसके तार जो है गुरुग्राम तक जुड़ आए हैं। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में भी शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में छापेमार कार्रवाई की गई है। तो गुरुग्राम में ईडी के छापेमार कार्रवाई यहां पर शराब घोटाला मामले को लेकर, इसके तार जहां जहां पर जुड़े हुए हैं वहां पर ये जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में भी शराब घोटाले में ईडी ने छापेमारी की है, ये बड़ी खबर। 35 से ज्यादा जगहों पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। आकाश खुराना गुरुग्राम से संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर। आकाश, शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी की छापेमार कार्रवाई जो है अलग अलग राज्यों में हो रही है, क्योंकि अभी दिल्ली में भी छापेमार कार्रवाई की गई है और अब इसके तार गुरुग्राम तक आ पहुंचे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में जो है रेड चल रही है, 30 जगहों पर जो है ईडी की रेड चल रही है, तो वहीं गुरुग्राम में भी 3 जगह पर जो है ईडी की रेड चल रही है। बात करें तो विपुल ग्रीन में और लेक फॉरेस्ट में और वहीं मंगोलिया में ईडी की रेड चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार की जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसको लेकर जो है आज ईडी की रेड चल रही है, और साथ ही सीबीआई और ईडी का ये कहना था कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी इसमें बड़ा घोटाला जो है हुआ है। वहीं जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, जो एक्साइज मिनिस्टर हैं, तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे को उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। उनके जो करीबी हैं उनके वहां पर रेड की जा रही है और वहीं आज गुरुग्राम में 3 जगह पर रेड चल रही है। जी आकाश, क्योंकि लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है, जो शराब कारोबारी है उनके ठिकानों पर ये रेड की गई है। अभी फिलहाल क्या ईडी की टीम गुड़गांव है या हरियाणा में अन्य जिलों पर भी ये कार्रवाई की रडार है? जी बिल्कुल अंजी, गुरुग्राम में 3 जगह पर ईडी की रेड की जा रही है और वहीं देश भर में 30 जगहों पर जो है ईडी की रेड की जा रही है। लगातार सीबीआई और ईडी का यही कहना है कि जिस तरीके से नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई थी उसी को उसको में जो है बड़ा घोटाला एक जो है हो सकता है, तो उसी को लेकर आज रेड यहाँ पर की जा रही है। वहीं बीजेपी के जो दिल्ली सरकार में जो नेता हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये नई पॉलिसी थी एक बड़ा घोटाला इसमें हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी है, उनका ये कहना है कि कोई घोटाला इसमें नहीं है। तो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनके करीबियों के ये जो है यहाँ पर रेड की जा रही है दिल्ली में, गुरुग्राम में, मंगोलिया में, विपुल ग्रीन में और लेक फॉरेस्ट माइन पर जो है रेड की जा रही है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं ईडी की जो रेड है वो चल रही है, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ईडी की रेड के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आता है। जी आकाश, अभी तक क्योंकि लगातार जगह जगह पर रेड की जा रही है, ईडी के हाथ क्या कुछ सबूत जो है वो लगे हैं और क्या किसी की गिरफ्तारी भी अब तक हुई है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की बात करें तो अभी 2 घंटे जो है अभी रेड जो है अलग अलग जगहों पर चल रही है। हालांकि अभी की कोई ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसी की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि दस्तावेज जो है अंदर जरूर चेक किए जा रहे हैं ईडी द्वारा, क्योंकि 2 घंटे का समय हो गया है और इस वक्त हम खुद वहां पर जो है पहुंच रहे हैं जहां पर ईडी की रेड चल रही है। हालांकि 3 जगहों पर जो है ये रेड चल रही है, तो ऐसे में अब देखना ये हुआ कि क्या कुछ इस पूरी रेड के बाद निकल के आता है, क्योंकि जिस तरीके से नई एक्साइज पॉलिसी जो दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई थी उसको लेकर एक बार फिर जो है घोटाला जो है उसमें सामने आ सकता है, जैसा कि सीबीआई और ईडी का कहना है। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनका भी ये कहना है कि इसमें एक बड़ा घोटाला जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी है उनका यही कहना है कि कोई घोटाला इसमें जो है नहीं है। वहीं दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके करीबियों के यहाँ पर रेड की जा रही है। देश के अलग अलग जगहों पर 30 जगहों पर जो है ईडी की रेड की जा रही है। जी
जाहिर तौर पर आकाश, और जिस तरीके से ईडी की रेड हो रही है और अलग अलग जिलों में इसके जो तार हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में इसके तार निकलकर सामने आ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा शराब घोटाले का ये नेटवर्क रहा होगा जिसकी पड़ताल अभी ईडी कर रही है। आकाश, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई यहां पर की जा रही है, अलग अलग राज्यों में छापेमारी शराब कारोबारियों के ठिकानों पर की जा रही है, इसे समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये नेटवर्क शराब घोटाले का रहा होगा। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की आकाश से। और